हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ईशा दुबे एस एम एस टीचर इन कृष्णा पब्लिक स्कूल। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3D चैप्टर 3rd प्लेइंग विद नंबर्स। नाउ टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 1। टू टैंकर्स कंटेन 700 लीटर एंड 750 लीटर्स ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिवली। बेटा मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो टैंकर हैं जिसमें एक टैंकर में बेटा मिल्क कितना आता है 700 लीटर, दूसरे में कितना आता है बेटा 750 लीटर्स। इज इट क्लियर द स्टूडेंट। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। बेटा मुझे कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ईच कंटेनर, जो मेजर कर सके मेरी हर एक कंटेनर की एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। इज इट क्लियर द स्टूडेंट कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब बेटा हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर 700 एंड 750 लीटर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है 700 लीटर की और 750 लीटर्स की एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, तो वी फाइंड हेयर SCF। बेटा हम SCF फाइंड आउट करेंगे किसका बेटा, 700 का और 750 का। इज द क्यू ऑल द स्टूडेंट। ओके बेटा, अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे दोनों नंबर का, 700 का और 750 का। इज द क्यू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा मैं 700 को पहले किससे डिवाइड करूँगी, 2 से। तो बेटा 2 3 6, 2 5 10, 0 एज इट इज। इज द क्यू ऑल द स्टूडेंट। बेटा अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगी बेटा, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। बेटा अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगी। मैंने देखा 175, ना तो मेरा 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 4 से। तो अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 5 से डिवाइड करूँगी। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा 5 3 से क्या होता है 15, और 5 5 25। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। फिर बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 5 से डिवाइड करूँगी बेटा, 5 7 35। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 7 से डिवाइड करूँगी, 7 1 7। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मुझे यहाँ पे 750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो बेटा मैं 750 को भी पहले क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा हमारा 2 3 जो क्या होता है 6 होता है, 2 7 14 होता है, और 2 5 10 होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, इसे 5 से डिवाइड करूँगी। मैंने चेक करा, ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है बेटा, 3 से भी नहीं है, और 4 से भी नहीं है। तो अब मैंने क्या करा बेटा, इसे 5 से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा 5 7 35, और 5 5 25। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, 75 आ गया। अब जो मेरा 75 आया, अगेन मैं इसे 5 से डिवाइड करूँगी बेटा, 5 1 5, 5 5 25। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा जो मेरा 15 आया, उसे मैं 5 से डिवाइड करूँगी। तो बेटा 5 3 15, और बेटा 3 1 3। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैं 700 और 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन को राइट कर लूँगी। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगी, 700 के प्राइम फैक्टराइजेशन को राइट कर लूँगी। तो बेटा वो क्या है, 2 2 5 5 7। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैं 750 को भी राइट करूँगी। तो बेटा वो क्या है मेरा, 2 5 5 5 3। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मुझे क्या करना था, इन दोनों का SCF फाइंड आउट करना था। तो जो दोनों में कॉमन होगा नंबर, वही केस में आएगा बेटा, SCF में आएगा। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। तो सी हियर बेटा, देखो यहाँ पे 2 2 है, तो 1 2 मैंने राइट कर दिया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। अब बेटा मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा सेकेंड वाले में 750 में कहीं पे भी 2 आ नहीं रहा है। तो अब मैंने देखा 5 कहीं आ रहा है बेटा, हाँ 5 देखो दोनों में आ रहा है, तो मैंने एक 5 राइट कर दिया। अब बेटा फिर मैंने अगेन चेक करा, 5 देखो बेटा मेरे 700 में भी आ रहा है और 750 में भी आ रहा है, तो मैंने 5 राइट कर दिया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या आया, 10 10 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो क्या आ गया मेरा 50। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। जो मेरा SCF आया है बेटा, वो 50 आया है। SCF का मीन्स होता है बेटा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो कॉमन नंबर्स थे वो मैंने राइट कर लिए, और बेटा जो कॉमन नहीं थे उन्हें मैंने छोड़ दिया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट। आप चेक कर सकते हो बेटा, जो कॉमन नंबर्स थे वही दोनों राइट करें। देखो दोनों में 2 2 था वो राइट कर दिया, 5 5 था वो राइट कर दिया बेटा,
और अगेन 5 5 था वो राइट कर दिया, जो कॉमन नहीं थे 2 7 3 5 तो वो मैंने राइट नहीं किए हैं। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? तो बेटा मैंने अब यहाँ पर फिर बाद में क्या कर दिया था बेटा, मल्टीप्लाई कर दी थी जो मेरे कॉमन फैक्टर्स थे, तो 2 × 5 करा था 10 आ गया था, 10 × 5 से करी तो क्या आ गया था 50 आ गया था। अगर बेटा वो हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं तो जो इसके कॉमन फैक्टर्स भी नहीं है उन्हें भी सबको क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा हैंस 50 लीटर्स इन द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर 700 and 750 लीटर एग्जैक्ट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? जो बेटा 50 लीटर मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कंटेनर की, वो हमें हमारे को 700 को और 750 को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मेजर कर बताएगा। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? आई थिंक ऑल हैव क्लियर। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या गिवन है। 3 बॉयज स्टेप्स ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। बेटा जब 3 बच्चे हैं, 3 बॉयज हैं, वो तीनों क्या करते हैं, स्टेप ऑफ करना शुरू करते हैं एक ही स्पॉट से, सेम स्पॉट से। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? देयर स्टेप्स 65 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट बॉय है बेटा उसका स्टेप की मेजरमेंट कितना है, 65 सेंटीमीटर। सेकेंड बॉय की कितनी है बेटा, 70 सेंटीमीटर and 75 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जो मेरा थर्ड बॉय है उसकी स्टेप की मेजरमेंट कितनी है बेटा, 75 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। बेटा उन्हें कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करना चाहिए कि सब लोग क्या करें बेटा, कंप्लीट स्टेप में डिस्टेंस कवर कर ली। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? नाउ वी स्टार्ट सॉल्यूशन। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा स्टेम मेजर ऑफ फर्स्ट बॉय इक्वल टू 65 सेंटीमीटर, स्टेम मेजर ऑफ सेकेंड बॉय इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, स्टेम मेजर ऑफ थर्ड बॉय इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे, 65 का, 70 का, 75 का। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो एलसीएम ऑफ 65, 70 एंड 75। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैं यहाँ पे एलसीएम लेना स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्टली वी डिवाइड विद 3, मैंने इसे 3 से डिवाइड कर दिया। 65 एज इट इज रहा बेटा, 70 एज इट इज रहा। 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, और 3 5 जा 15 होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने क्या करा, इसे 5 से डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? 5 1 जा 5 5 3 जा 15। फिर बेटा 70 को मैंने डिवाइड करा, तो बेटा 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। इधर क्यों ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा जो मेरा 25 आया था वो क्या हो गया, 5 5 जा 25। इधर क्यों ऑल द स्टूडेंट? अगेन बेटा मैंने इसे क्या करा, 5 से डिवाइड कर दिया। इधर क्यों ऑल द स्टूडेंट? तो 5 1 जा 5 और 13 और 14 एज इट इज़ रह गए। इधर क्यों ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट कर दिया, यहाँ पे 13 से डिवाइड कर दिया। तो क्या गया बेटा, 13 1 जा 13, 14 को एज इट इज़ रखा और 1 1 जा 1। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा जो मैंने यहाँ 14 को डिवाइड कराए, आप इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते थे, 14 को पहले 2 से डिवाइड करते तो क्या आता, 7 आता, फिर अगेन 7 से डिवाइड करते तो क्या आता बेटा, 1 आता। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इन दोनों को साथ ही में एक साथ कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे 14 राइट कर दिया है, क्योंकि यही रिमेन रह गया था। और एलसीएम में क्या होता है बेटा, सारे नंबर की मल्टीप्लाई होती है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया बेटा, अब बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 14 ऐड कर दिया, तो बेटा क्या होता है, मेरा 14 1 जा 14 होता है। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम एलसीएम राइट करेंगे 65 का, 70 का और 75 का, जो हमारे ये नंबर्स आए हैं। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा जब हम 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 15, 15 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 75। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? अब 75 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, 13 से करेंगे। इज इट क्लियर ऑल द स्टूडेंट? तो बेटा जब हम 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 15, 15 का 1 कैरी। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 21, 21 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 22। इज द क्यू ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा मुझे जब सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो मैं अपने 1 डिजिट के नंबर के नीचे क्या राइट करती हूँ, क्रॉस, देन सेकंड नंबर से हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 5 1 जा 5 7 1 जा 7। इज द क्यू ऑल द स्टूडेंट? अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे।
तो बेटा अब 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 5 एज इट इज़। और बेटा 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7। और बेटा 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 975। और 975 की मल्टीप्लाई बेटा हम किससे करेंगे, 14 से। इज इट क्लियर स्टूडेंट? जब बेटा हम 975 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो हमारा आएगा 13,650। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हेंस द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप इज 13,650 सेंटीमीटर और 136.50 मीटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बेटा हम क्या करेंगे, 13,650 को डिवाइड कर देंगे 100 से। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 136.50 मीटर।